नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दून के पूर्व विधायक चौधरी राम कुमार अपने जनसंपर्क अभियान आपका बेटा आपके द्वार के तहत ग्राम पंचायत किशनपुरा के गांव गुरु मांझा पहुंचे। यहां भाजपा नेत्री माया रानी ने अपने समर्थकों समेत चौधरी राम कुमार का भव्य स्वागत किया और भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। इससे दून भाजपा को भारी झटका लगा है। वहीं राम कुमार ने बातचीत करते हुए बताया कि दून की जनता अब भाजपा के झूठे वादों और जुमलों से परेशान होकर उन्हें और कांग्रेस को समर्थन दे रही है। राम कुमार ने कहा कि दून क्षेत्र में विकास की जो गति रुक गई थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही दोगुनी गति से विकास की गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी। वहीं पूर्व भाजपा नेत्री माया रानी ने बताया कि वे भाजपा की झूठी नीतियों से दुखी होकर चौधरी राम कुमार को अपना समर्थन दे रही हैं। इस मौके पर उनके साथ दयाराम, सुरेंद्र सिंह शिंदा, बीडीसी राहुल पंच, भूपेश पंच, सीमा देवी पंच, कुश्ती दंगल कमेटी के अध्यक्ष गुरमेल चौधरी, जोगा नसीब पूर्व पंच जग्गी खान, पूर्व उप प्रधान संजीव कुमार संजू, कांग्रेस नेता तलविंदर सिंह रामनाथ, रिटायर SHO शेरू विमल शाम, थानेदार समेत अन्य मौजूद रहे। मंडी से हमारे संवाददाता शांति गौतम की रिपोर्ट। मैं माया रानी, BDC, ex-BDC और आज चौधरी राम कुमार जी हमारे गांव में इधर इनका टूर है और हमने कुछ अपना प्रोग्राम भी रखा था अपने घर में इनके लिए। और मैं पहले BJP में थी और BJP से अब मैं अपना वापस जा रही हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगा BJP में। और बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं। और हमें मतलब हर चीज़ का मतलब बहला फुसला कर हमें कस्में दिलवाई, इधर उधर मतलब ले जाते रहे और झूठे वादे करते रहे और किसी वादे से वो पूरा नहीं हुए। इसलिए मैं अपना उनको त्यागपत्र दे रही हूँ और मैं कांग्रेस में शामिल हो रही हूँ। जो हमारे अब नए नेताजी बनेंगे MLA साहब राम कुमार जी, और इनके ऊपर मुझे गर्व है और ये अच्छा कार्य करते हैं और करते रहेंगे। तो सब क्या कहेंगे इस पर? हाँ, आप देख रहे हैं कि हर रोज जो है मैं जहाँ भी जाता हूँ 15-20 परिवार हर रोज ज्वाइन कर रहे हैं। किन्हीं को हम आगे अभी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये मुख्य अहदे पे थे इसलिए इनका अपना मन था कि मेरे को जो है वो मेरी वाइट की जाए, मेरे को मैं लोगों में रूबरू हूँ, लोगों को इनकी करतूतें बताऊँ। तो इन्होंने जो बात की है बिल्कुल सत्य है। और अब तक जो है लगभग 1000 परिवार दून क्षेत्र से मुझे ज्वाइन कर चुका है और अभी 1000 परिवार पाइपलाइन में है जो आने वाले हैं, जो समय मांग रहे हैं। तो मैं जैसे जैसे जहाँ जहाँ जा रहा हूँ तो ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। तो एक आंधी जो है वो दून क्षेत्र में चली हुई है, एक तरफा चुनाव है, मुकाबला मेरे को नहीं लगता किसी से होगा। तो हर रोज दूसरे नंबर पर आने की दौड़ में है कई लोग। धन्यवाद। तो सब क्या ये मान लें कि इस बार जो 90 में चुनाव हुआ था आपके सर के पिताजी का पहला चुनाव, जी उस तरह का चुनाव होगा? 1990 का जो चुनाव है वो इस तरह की लहर थी, अब जो है 1990 के चुनाव से भी ज़्यादा बढ़ के लहर है। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का हजूम जो है वो हर रोज़ नए कार्यकर्ताओं के साथ में होता हूँ और इससे लोगों में ये संदेश है। लोग आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे लोग देखते भी हैं हर रोज़ जो है वो फलाना आदमी भी चला गया, फलाना आदमी भी चला गया, एक शोर मचा हुआ है हर गली में। तो लोग इस चीज़ को देख के भी जो है वो अट्रैक्टिव हैं। और मैंने सेवाएँ दी हैं और मेरा वायदा है दून की जनता से कि मैं जो कहूँगा वो करके दूंगा। पहले समय में मैंने जो कहा है मैंने करके दिया, किसी को झूठ नहीं बोला। किसी का काम होने वाला नहीं था, मैंने उसको हाथ बांध दिया कि आपका काम नहीं हुआ है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि फलां अफसर मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा फलां अफसर कहना नहीं मानता है। राम कुमार का कहना अफसर मानते थे और मानेंगे। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।